Hello, MG. Listening. Turn off AC. Climate control is off. MG HECTOR British company है, 95 years legacy हो गई है. Since 1924 this company is existing in other than countries from India. पहली बार ये इंडिया में लॉन्च हुई है. इसकी 90% कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है और इसलिए ये मेड इन इंडिया कार है. इसमें जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, जिसको बेस मॉडल की कार कहते हैं, स्टैंडर्ड फीचर्स भी इसमें सारे दूसरे मॉडल के टॉप वेरिएंट के जो फीचर्स होते हैं वो इसके स्टैंडर्ड फीचर्स में आते हैं. जैसे ABS EBD तो है ही, साथ में ब्रेक असिस्ट भी है जो एडिशनल सेफ्टी फीचर्स है, जो ऑटोमेटिकली अगर डिस्टेंस कम होता है तो ब्रेक लगा लेता है. यस इन पैनिक सिचुएशन जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हो, तो या तो आप ब्रेक फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर दोगे या कम अप्लाई कर दोगे. उस सिचुएशन में व्हीकल के स्पीड, व्हीकल का वेट, इस इंजन के RPM और इम्पैक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करके ये उतना ही ब्रेक अप्लाई करेगा जितनी की ज़रूरत है. इसके अलावा हिल होल्ड असिस्ट इसमें स्टैंडर्ड फीचर है. सब में प्रीवियस वेरिएंट पे बोले, हाँ सारे स्टैंडर्ड फीचर्स. जैसे आप इसका हाइट ऊपर कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, हिल होल्ड कहते हैं जो अगर इंक्लाइंड सरफेस पे आप चलते हैं तो अगर ब्रेक लेना पड़ा और फिर आप ब्रेक छोड़ेंगे तो व्हीकल नीचे की तरफ चलने लगेगी. ये नहीं होता, ये वहाँ पे होल्ड करके रखता है और जैसे ही आप एक्सीलेटर लोगे वहीं से अप हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड हिल होल्ड. इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी है जो आपके स्टीप कॉर्नरिंग में या वेट सरफेस में व्हीकल को डिसबैलेंस नहीं होने देता. ट्रैक्शन कंट्रोल है जो बेस वेरिएंट में ही है. इसके अलावा इसके चारों ब्रेक वेंटिलेटेड डिस्क हैं जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं. कूल ग्लोब बॉक्स है. रेयर पार्किंग सेंसर जो अक्सर ऊपर वाले मॉडल में आती है वो इसके बेस मॉडल में है. रूफ रेल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके बेस मॉडल में है. बेस मॉडल में ही इसका क्या बोलते हैं ऊपर वाला खुल जाता है? नहीं, वो सिर्फ टॉप मॉडल में. वो सिर्फ टॉप मॉडल में ना, ये मतलब रूफ रेल्स का मतलब क्या हुआ? वो जो रॉड टाइप, हाँ हाँ हाँ, उसका मतलब क्या, कुछ स्पेशल होता है क्या फीचर? वो दो बातें होती है. एक तो वो एरोडायनामिक इफेक्ट करता है, दूसरा एस्थेटिक को बढ़ाता है, लुक्स को बढ़ाता है, बोल्डनेस आता है. फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट भी है जिससे एरोडायनामिक इफेक्ट और ज़्यादा होता है. मैनुअल एसी तो रहेगा ही बट रियर वेंट के साथ रहेगा. रियर वेंट भी है, बढ़िया. डबल डिन ऑडियो, USB. इसमें जो म्यूजिक सिस्टम आता है बेस मॉडल का है. इसमें मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं. लेदर ड्राइवर आर्म रेस्ट बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं. हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट ये बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं. कूल ग्लोब बॉक्स, फैब्रिक सीट, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड होल्ड विथ एंकर, स्पीड वार्निंग अलर्ट. इसके अलावा स्टेबिलिटी रिमाइंडर भी आपको बेस मॉडल में मिल जाते हैं. रियर स्पॉयलर, टर्न इंडिकेटर में के ऊपर में ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर, रियर वाइपर एंड वॉशर, वेलकम लाइट, ये आपके बेस मॉडल में ही मिल जाते हैं. सो स्टैंडर्ड फीचर्स की अगर बात करें तो किसी भी इसके कॉम्पिटिशन या अदर किसी भी मेक में इतनी ज़्यादा बेस मॉडल में नहीं होती है. और अकॉर्डिंगली स्टाइल इज द बेस मॉडल. इसके बाद फिर सुपर आता है, स्मार्ट आता है और शार्प आता है. चार मॉडल, शार्प इज द टॉप मॉडल. टॉप वेरिएंट में कुछ नई चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री से अलग है. वो है डुअल पैन पैनारोमिक सनरूफ. ये पूरी की पूरी छत एक बार खुल जाती है, आप इसका नाइट व्यू ले सकते हो या इसको एंजॉय कर सकते हो अपने तरीके से. इसके अलावा इसमें कॉटन एयर बैग्स है, 6 एयर बैग्स हो जाते हैं. इसमें जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है जो इंस्ट्रूमेंटल पैनल के ऊपर होता है वो 7 इंच की है, कलर्ड है. सो ये भी एक नई चीज़ है. और वो जो 10.1 इंच का एक है, 10.1 इंच का जो हेड यूनिट है
ये अपने आप में एक नई चीज है, इतना बड़ा डिस्प्ले अब तक तो किसी कार में नहीं थी, और ये फुल्ली इंटरनेट कनेक्टेड है। हाँ। इसमें 4G की सिम लगी हुई है, और 5G जब भी आएगा ये ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, सो दिस कार इज फुल्ली इंटरनेट कार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में ऐसे पहली बार आई है जिसमें इंटरनेट सिम भी लगा हुआ है और इंटरनेट कनेक्टेड। इसका ये क्या, इसका इंटरनेट का क्या क्या फीचर है जैसे आप? और इसमें 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा है, ये भी फर्स्ट टाइम है। इसमें को ड्राइवर सीट है, वो भी पावर एडजस्टेबल है, जो फर्स्ट टाइम है। पावर टेलगेट ओपनिंग है इसमें, जिसमें मल्टी पोजिशनिंग कर सकते हैं आप, मतलब जैसे मतलब जब आप पावर गेट खोलते हैं तो उसकी हाइट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो सेट हो सकता है, दैट इज मल्टी पोजिशनिंग। ORBM फर्स्ट टाइम है, इसका ORBM है, उसमें हीटर है, दिस इज हीटेड ORBM। इन केस ऑफ रेनी सीजन, इन केस ऑफ बैड वेदर, आपके जो वाटर ड्रॉप्स लग जाते हैं ORBM के ऊपर, जिससे ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन होता है, वैसी हालत में जब आप हीटर का बटन दबाते हैं तो वेपर बन के उड़ जाता है, और ड्राइवर को क्लियरिटी ईजी हो जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, इसके अलावा वैनिटी मिरर है जो इल्यूमिनेटेड है। सो बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स में तो बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा बीच में भी बहुत फीचर्स हैं। शार्प इज फुल्ली लोडेड कार, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो दैट इज़ वाई कॉम्पिटिशन के अलावा अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आप एक बार MG को ज़रूर देखें, उम्मीद है आपको MG बहुत पसंद आएगा। अब जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है इसका, उसको जो हम लोग मोबाइल से थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या क्या फीचर? मोबाइल के थ्रू नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी अपने आप में मोबाइल, मोबाइल के थ्रू आप मोबाइल को एज ए रिमोट कंट्रोल कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम इस ऐप का नाम है आई स्मार्ट। आई स्मार्ट से आप गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अंदर दिखाऊंगा डिटेल में, ले चलते हैं। ये सब चीज़ें आप कंटेंट में डाल सकते हैं। कितना होगा मतलब ये स्पेस, इसको पूरा बूट अगर हम बंद करते हैं तो कितना? 585 लीटर का। रियर एसी वेंट पूरा करो तो मोर देन दैट, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आराम से एक आदमी ये यहाँ फिक्स होता है। इसके अलावा आप इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 60-40 ना, 60-40 लग्जरी पूरा। This is a comfort feature. Leg room भी काफी है। Second row में अगर rear row की बात करें तो अगर row passenger है तो उनके headrest हो जाता है with cup holder, और तीनों passenger के लिए headrest हो जाता है। ये पूरा leather seat है ना? Totally leather seat। ये base variant में भी और top variant में? Top sharp and smart। Sharp variant। इसका लेग रूम को भी सीट आगे पीछे बहुत ज्यादा लेग रूम है, एसी भी काफी सही जगह पे, एसी वेंट है, एसी वेंट के साथ इसमें फास्ट चार्जिंग जैक है। फास्ट चार्जिंग मतलब नॉर्मली जो मोबाइल की चार्जेस होती है 1.5 एम्पियर की होती है, इसमें 2 एम्पियर की फास्ट चार्जिंग है, सो मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। इसके अलावा आपको लैपटॉप यूज़ करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करना है, उसके लिए 12 वोल्ट आउटपुट भी है। नहीं बड़े, ये रिमोट के थ्रू कंट्रोल है सर। आप जैसे ही व्हीकल ऑन करते हैं, इट्स सपोज्ड स्टार्ट, जैसे ही व्हीकल ऑन करते हैं ये पूरी गाड़ी को एक बार स्कैन करता है, और ये अगर कोई डायग्नोस्टिक है तो वो भी बता देता है। 7.7 इंच का डिस्प्ले है जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको देता है। अब अगर हेड यूनिट की बात करें तो हेड यूनिट अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ये मोबाइल स्क्रीन के समान काम करता है, जैसे आप ऑन करते हैं, प्लस वॉइस कंट्रोल भी है, लाइक हेलो MG listening, turn off AC, climate control is off, hello MG, I'm here, turn on AC,
क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑन. हेलो एम जी, आई एम लिस्ट. सेट एसी टेम्परेचर 22 डिग्री. पार्डन, सेट एसी टेम्परेचर 22 डिग्री. टेम्परेचर इज सेट टू 22 डिग्री सेल्सियस. हेलो एम जी, हेलो एम जी, ओपन विंडो. ये सिर्फ उस साइड के लिए कि चारों के लिए? सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए. सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए. हेलो एम जी, हेलो एम जी, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? क्लोज विंडो. बहुत. इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं. वॉइस कंट्रोल, म्यूजिक हो गया. हेलो एम जी, हेलो एम जी, आई एम हियर. प्ले रेडियो. एम जी, ओपन सनरूफ. ये पूरा जो आप बोले थे, हेलो एम जी, क्लोज सनरूफ. पार्डन, क्लोज सनरूफ. ग्लास हाफ ही खुलता है लेकिन रूफ पूरा पैनोरामिक व्यू. ये पूरा और कुछ सर इसके मतलब कुछ और जो सबसे अलग हो? बाकी तो खैर ये पहले अपने आप में ही बहुत अलग है. 360 कैमरा है. 360 आपने ऑन किया तो ये अभी फ्रंट कैमरा ऑन है. इसको टच करते हैं तो रियर कैमरा ऑन हो जाता है. ये लेफ्ट साइड का व्यू है, इससे आप राइट साइड का व्यू भी देख सकते हैं. उसके अलावा ये 360 डिग्री व्यू कैमरा है. कार का जो पिक्चर है वो एनिमेटेड है और जो एक्टिविटी हो रही है वो लाइव, वो लाइव हो रही है. हाँ, ये पूरा लेदर, ये लेदर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप डैशबोर्ड, लेदर रैप आर्मरेस्ट. और लास्ट जो कि लग्जरी कार है तो उतना नहीं पूछ सकते, बट एवरेज क्या है इस कार का? पेट्रोल में 14.46 है और डीजल में 70. विदेशी, विदेशी क्योंकि प्रीमियम कार है तो विदेशी होगा. जिसकी स्पीकर्स लगे हैं वो इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं. तो इन्फिनिटी के स्पीकर्स अपने आप में लाजवाब. 360 सराउंड साउंड इस टॉप वेरिएंट में. हाँ, इसमें सब सबवूफर भी लगा हुआ है. कूल ग्लोव बॉक्स और 6 एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है. ये इसका सारा सनरूफ का कंट्रोल वैसे ऑटोमेटिक है. यहाँ पे ये ग्लास होल्डर, इसके अलावा जो इल्यूमिनेटेड है सारे कंट्रोल्स जो है वो इसमें. इसमें एक और फीचर है जो यूनिक फीचर है, दैट इज कॉल्ड फैटिक फीचर. फैटिक फीचर, फैटिक फीचर का मतलब होता है इन केस अगर आप इस फैटिक को आप सेट कर सकते हैं. ये आपको दिख रहा है फैटिक फिगर, ये आप फैटिक फिगर को सेट कर सकते हो. इसको आप आधा घंटे से लेके. फैटिक फिगर का मतलब फीचर क्या होगा? मतलब क्या फैटिक फीचर? मतलब अगर आप कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो सकता है कि आपको झपकी आ जाए. तो जब आपको झपकी आने जैसा कोई सीन सिचुएशन होगा तो ये आपको अलार्म देना शुरू करेगा, तो जिससे आप अपनी झपकी को कंट्रोल कर सकते. एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी फीचर. तो ये डिटेक्ट कैसे करता है उसको? इसको आपको सेट करना. हाँ, ये डिटेक्ट करने का इसमें अलग तरीका है. इसकी जो सीट बेल्ट है उसमें कुछ सीट बेल्ट है, स्टेयरिंग व्हील है, इसके ऊपर में कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं. जब आप जैसे ही आपको झपकी आती तो आपको एक झटका लगता है. वो इसको सेंस करता है सीट बेल्ट और स्टेयरिंग का, जो स्टेयरिंग की जो कंट्रोल है वो भी. हाँ हाँ हाँ. तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आपको अलार्म देना शुरू कर दें. और ये तो हो गया ABS, पार्किंग असिस्ट. बाकी फीचर्स बहुत सारे हैं इसमें. सारे फीचर्स के लिए वीडियो और लिटरेचर दोनों में आपको देता हूँ. थोड़ा सा खाली इंजन एक बार इसका देखना चाहेंगे. बोनेट खुल पाएगा कि
17 इंच मशीन कट इंडिकेटर है, ये DRL भी है और इंडिकेटर भी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत समय ले करके लेकिन इम्प्रूव कर, बहुत बहुत इम्प्रूव कर, बहुत इम्प्रूव कर। और ये आपका इंजन पोर्शन, इस इंजन पोर्शन में किसी को कुछ करना ही नहीं है, फुल्ली पैक्ड, ये पूरा पूरी पैक्ड इंजन है, मतलब शोरूम में ही होगा जो काम, हाँ जो भी होना है सर्विस सेंटर में ही होना है। हाँ नहीं नहीं ये पेट्रोल वेरिएंट डीजल, दिस इज डीजल डीजल, तो 2.0 लीटर का इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल डीजल इंजन है विद टर्बो चार्जर, वेरिएबल नोजल टर्बो चार्जर है, और पेट्रोल में भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विद टर्बो चार्जर।